बीजेपी और जेडीयू के बीच इस वक्त ये कहें कि जबरदस्त जंग हो रही है विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर। और ये रंग देखने को मिला है संसद के मौजूदा बजट सत्र में, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया, एक बार फिर से मुद्दे को रखा, लेकिन जब लगातार अपनी बात को रख रहे थे ललन सिंह, उसी दौरान बीच बीच में बीजेपी के सांसद रूडी ये कहते रहे कि आप इस तरह की मांग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो पैसा दिया गया है वही आप लोग खर्च नहीं कर रहे, तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग और विशेष पैकेज की मांग आप क्यों करते हैं। लेकिन इसी बीच एक तल्ख टिप्पणी की गई ललन सिंह की तरफ से, कहा गया कि रूडी जी, मैं आपसे कोई विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं कर रहा हूं, ये मांग मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। अरुणी जी कुछ कागज में लिख भी रहे हैं, बिहार विधानमंडल ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पारित किया था, उसमें रूडी जी के भी लोग सहमत थे। और रूडी आज किस कारण से आप नहीं कर सकते हो, आप उसका समर्थन नहीं करते हो, अलग बात है। हम आपसे मांग भी नहीं रहे, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे, हम तो इस देश की सरकार से मांग रहे, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है, और इसलिए हम इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह हम लोग की पुरानी मांग है, और सभी पार्टियों ने मिलकर एक स्वर से यह मांग कर रखा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिले, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस बात का जस्टिफिकेशन दे दे कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता है, जब नीति आयोग की रिपोर्ट ही सारा पोल खोल रही है, जब सारे जितने भी उनके पैमाने हैं उस पैमाने पे बिहार सबसे निचले पायदान पे है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले यह बीजेपी के लोग कारण बता दें। जिस दिन हम लोग कारण सुन लेंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे, उस दिन हम लोग यह तय कर लेंगे कि क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ देनी चाहिए, क्या राजीव प्रताप रूडी जी बिहार के विकास नहीं चाहते हैं, क्या बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं, जवाब उनसे पूछना चाहिए। जब आप विकास में सहभागी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह लिखा कि भाई हमको स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज दीजिए, तो निश्चित रूप से स्पेशल स्टेटस अगर निजीकरण के इस दौर में नहीं मिलेगा, जब सार्वजनिक निवेश घट रहा है, तो सार्वजनिक निवेश भी नहीं हुआ और वर्तमान नई आर्थिक नीति की तरह निजी निवेश होना है, तो निजी निवेश के लिए तो भाई आप सुविधा दीजिएगा ना हमको बिहार को। तब विकास के मानक पर हमने पात्रता भी सिद्ध कर दिया है, कौन है राज्य देश के अंदर में जो अपना विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत कायम किए हुए है, इसलिए विशेष दर्जा बिहार की जनता ने जिस रूप से आत्मसात किया है, हम अनुरोध के केंद्र सरकार से लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। ये जनता के हित में कोई काम नहीं करने वाला है जदयू और NDA के लोग, और ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको स्पेशल मिलना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी से, बजट बनने के पहले बनना, ये मंशा ठीक नहीं है लोगों की, इनकी राजनीति केवल रही है, जनता को ये केवल मूर्ख बना रहे हैं कि हम बिहार का विकास चाहते हैं। राबड़ी देवी जी मांग की थी उसी समय स्पेशल दर्जा के लिए इनको लड़ाई लड़ना चाहिए था, ये आज भी केंद्र में शामिल है इनकी पार्टी के, और ये राजनीति कर रहे हैं, देना किसको है, डबल इंजन की सरकारी मांग किससे रहे हो यार। हमारे सहयोगी इस वक्त आशुतोष पटना से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। आशुतोष, थोड़ा पीछे अगर चलें तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं जातीय जनगणना की, उस पर कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद फिर अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे वक्त से की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, अब ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो इस मांग को रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कहती आ रही है विशेष पैकेज तो दे दिया आपको 1.25 लाख का, और क्या चाहिए, 1.25 करोड़ का। नहीं, स्वाभाविक तौर पर कई सवाल भी हैं जिसका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी तरह से विचित्र परिस्थिति है। जेडीयू विशेष दर्जे की मांग कर रही है, बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी साफ तौर पर डिनाई कर रही है कि बिहार विशेष पैकेज विशेष दर्जे के मामले पर या फिर उस पैमाने पर खड़े ही नहीं उतरता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जेडीयू तो फिर चाह क्या रही है, कांग्रेस और RJD ने ठीक तरह से सवाल किया है कि आखिर JDU क्या चाह रही है, क्योंकि सरकार स्टेट में भी उन्हीं की है और केंद्र में भी उन्हीं की है, अगर अभी बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलता है तो फिर कब मिलेगा।
हालांकि ये अलग बात है कि ये अब पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा बनता जा रहा है और सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी राय है, लेकिन जेडीयू ने अब इसे अपना प्रमुख एजेंडा बनाने की रणनीति बना ली है। सवाल उठना ये भी लाजमी है कि आखिर ये एजेंडा कहाँ तक जाएगा, क्या ये सिर्फ एजेंडा बनकर रह जाएगा या फिर ज़मीन पर भी कुछ हकीकत देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये इस डिसीजन पर पहुंचना कि जेडीयू जो डिमांड कर रही है उस डिमांड को फुलफिल कर लिया जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि खुद उसकी सहयोगी ये नहीं मानती है कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आप किसी भी बीजेपी नेता से पूछ लेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार को समय समय पर पैकेज मिलता रहा है, समय समय पर आर्थिक मदद मिलती रही है और आर्थिक मदद ही ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष दर्जे का जो पैमाना है उस पर बिहार कहीं खड़ा नहीं उतरता है। और ये ज़रूर ये टेक्निकल मामला हो जाता है, क्योंकि सिर्फ अगर आप श्रेणी में देखेंगे तो सिर्फ बिहार ही नहीं, कई और स्टेट हैं जो लगातार विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे, हालांकि वो प्रोविज़न ही अब ख़त्म कर दिया गया है। और अब जेडीयू का ये कहना है कि प्रोविज़न बनाए भी जाते हैं और अपने हिसाब से सरकार बना भी सकती है, प्रोविज़न ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्वाभाविक तौर पर यह मामला बहुत ही उलझता जा रहा है। अब इसका सियासी असर क्या होगा, क्या वाकई दोनों जेडीयू इसी तरह से मांग करती रहेगी या फिर किसी डिसीजन पर भी पहुंचेगी? आशुतोष, एक महत्वपूर्ण बात तो ये भी है ना कि जैसे मैंने बताया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो, जेडीयू के साथ बाकी जितने भी राजनीतिक दल बिहार में राजनीति करते हैं सभी इस मांग के पक्ष में हैं। बीजेपी अलग और अलग थलग दिखाई देती है, भले ही अपने तर्कों से वो कुछ भी जवाब देने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी इसके पीछे क्या रणनीति दिखाई देती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे मसले हैं, दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो समूचे बिहार और हर वर्ग को छूते हैं और सहानुभूति भी कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों की तरफ जाती है इस मामले को लेकर। नहीं, जरूर रविंद्र, मैंने पहले भी कहा कि इसके बाद जेडीयू का डिसीजन क्या होता है वो बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पेशल स्टेटस का मामला हो या कास्ट सेंसस का मामला हो। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि कास्ट सेंसस बहुत जल्द बातचीत हो जाएगी और कास्ट सेंसस को लेकर के एक मीटिंग बुलाएंगे, सर्वदलीय बैठक करेंगे और उसके बाद फिर राज्य सरकार अपने स्तर से काम शुरू करेगी। लेकिन नतीजा सबके सामने है, क्या हुआ। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस को लेकर के भी बीजेपी का अलग रुख है। तो सवाल ये है कि सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। बीजेपी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा यूपी चुनाव को लेकर के भी गठबंधन बनाने की बात हो रही थी और ये माना जा रहा था कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड के जरिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा MLC इलेक्शन की भी बात हो रही थी, तो ये भी चर्चा थी कि इसके जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी पर, लेकिन नतीजा सबके सामने है। तो मुझे लगता आशुतोष है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि बजट सत्र में ही गूंजेगा ये मामला, फिर वहीं दफन हो जाएगा या फिर आगे चलकर इस पर और कुछ गंभीरता से बात होती है, मांग रखी जाती है या फिर कोई स्टैंड लिया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर बाकी समूचे विपक्षी दल हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड की और देश विदेश की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल।